आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एक लव्य स्टडी पॉइंट में। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो है, दो तीन मिनट में मैं आपको कुछ बोर्ड एग्जाम के से पहले जाने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपको सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना है। और ये जो एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा, एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैंने सारी चीजें पढ़ ली है, लेकिन एक चीज इसमें नई है वो आपको बतानी है। तो ये 2019 का जो बोर्ड एग्जाम है इसके लिए, ये आपके उसमें क्या कहते हैं जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे जितनी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखी है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बनाया उसे देखो। यानी यहाँ पे आपको जो पेन ले जाना है उससे संबंधित बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ब्लू पेन ब्लैक पेन ले जा सकते हैं या नहीं, उसमें भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि हमें केवल ब्लू पेन ही ले जाना है, नीला पेन ही यूज करना है। ठीक है, और इसके साथ आप पेंसिल रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं, स्केल और ये सारी चीजें जो भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है वो नहीं ले जानी है। ये आपको पता है कि वो अंदर अलाउड नहीं होती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बस ये पेन वाला कंफ्यूजन दूर करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने, और बाकी आप ऊपर से नीचे तक पढ़ लें, कोई खास आपके लिए है नहीं। आपको देखो टाइम भी बता रखा है कि आपको रिपोर्ट जो रिपोर्टिंग आपका टाइम होता है वो लेटेस्ट 10 AM है। अगर आप इसके बाद जाएंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप यहाँ पे क्या समझे, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अपना जो एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम से आप कम से कम भी 30 से 40 मिनट पहले, और हम तो भाई जब हमारा एग्जाम होता था हम तो 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाते थे, 1 घंटा पहले, कभी 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 1.5 घंटे पहले पहुंच जाते थे अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। और आप क्या करें, कम से कम भी तैयार हो जाएं जल्दी सुबह उठ के, अपना तैयार होके 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, आधे घंटा पहले पहुंच जाएं, लेकिन पहले पहुंच जाएं, कहीं जाम में या कोई दिक्कत ना हो जाए, ऐसी चीजों में ना फंसे कभी भी पेपर में, याद रखें। और अपना जो पेन दे रखा है, पहले क्या होता था जब हम पढ़ते थे, हम यूज करते थे, हमें पता है कि हमारे यहाँ क्लियर कह रखा था कि आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो हेडिंग में, लेकिन यहाँ पे ब्लैक पेन नहीं लिखा है तो आपको ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, ब्लू लिखा है तो आप ब्लू ही ले जाएं। ठीक है, और एक चीज जो मैंने महसूस की थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं हेडिंग को अलग पेन से लिखता था और उसका एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन जो होता था वो अलग पेन से लिखता था पूरे पेपर में, जब मैं ये कार्यवाही करता था, तो इससे क्या होता था, बार बार पेन चेंज करने में मेरा टाइम बर्बाद होता था। तो टाइम बर्बाद भी नहीं होगा आपका और आप कर पाओगे पेपर। अब आपको एक लास्ट चीजें और याद रखनी है, जो आपका हेडिंग होती है, हेडिंग आपका जो फॉन्ट होता है वो बड़ा रखना, और जो एक्सप्लेनेशन फॉन्ट है वो छोटा रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप यहाँ पे समझ जाएं बस। जैसे मेरी हेडिंग है शीत युद्ध के परिणाम, मान लो ये मेरी हेडिंग है शीत युद्ध के परिणाम, तो ये मैंने हेडिंग लिखा, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा तो मैं इस वर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा लिखूंगा कि शीत युद्ध, जो मतलब नॉर्मल जो लिखते हैं वो नॉर्मल ये होना चाहिए, लेकिन जो ये हेडिंग है ये नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो हेडिंग वाला जो लाइन होगी ना वो क्लियरली टीचर को दिख जाएगी, आपको अलग अलग पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू की कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा। इस चीज को आजमाना, ये हमें करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट होता है। और एक चीज याद रखना, अंडरलाइन के लिए आप पेंसिल रख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई मेन चीज आपको लगी तो आप हल्का सा पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर दो, बस एक दो जगह, एक सीट में एक दो जगह ही अंडरलाइन कर दो, उसके अलावा फालतू की कोई चीज मत करो। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन देनी थी पेन से रिलेटेड। अब पेन वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कभी भी आपको, जब क्लियर वहां पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो आप वही यूज करो जो आपकी अकॉर्डिंग आती हो। क्योंकि देखो ये चेंजेस जो है ना हमेशा होते रहते हैं, हमारा जब एग्जाम था तब अलग रूल्स होते थे, आपका एग्जाम है तब अलग रूल्स हैं, 2-4 साल बाद जब दोबारा बोर्ड एग्जाम आने वाले टाइम पे जो बोर्ड एग्जाम होंगे हो सकता है वहां पे अलग रूल हो, तो ये चेंजेस होते रहते हैं, इस चीज पे ध्यान रखें। बस इतना ही बताना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।